जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, दिवाली को शुभता का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी अपने भक्तों पर कृपा करती हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा विधि विधान से की जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से भक्तों की जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश उन्हें जरूर पूरी करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि माता लक्ष्मी के छोटे भाई कौन हैं? आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि माता लक्ष्मी के भाई के बारे में, जिनके बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा। हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि माता लक्ष्मी के छोटे भाई कौन हैं। आपको बता दें कि माता लक्ष्मी के छोटे भाई हमारे घरों में विराजमान होते हैं, साथ ही इनके बिना कोई भी पूजा अनुष्ठान पूरा ही नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि माता लक्ष्मी के छोटे भाई कौन है। मैं आपको बता दूं कि माता लक्ष्मी के छोटे भाई है शंख, जिनके बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं की जाती है। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था, तब समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। माता लक्ष्मी की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से ही हुई थी। इन सभी रत्नों में शंख की गणना भी होती है, जिनके बिना कोई भी मांगलिक कार्य पूरा नहीं होता है। हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही शास्त्रों में दक्षिणावर्ती शंख को माता लक्ष्मी का छोटा भाई माना जाता है। इसके साथ शंख को सुख समृद्धि और शांति का प्रतीक भी माना जाता है। इसीलिए माता लक्ष्मी के हाथ में शंख जरूर दिखाई देता है। और यह भी माना जाता है कि शंख में सभी देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही इन्हें भगवान विष्णु का प्रिय शस्त्र भी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में शंख के विषय में विस्तार से बताया गया है, इससे निकलने वाली ध्वनि से नकारात्मकता दूर हो जाती है और सुनने वाले आरोग्यता और आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। इसके साथ यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। हर रोज शंख बजाने से सांस से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं, साथ ही इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। धनतेरस तथा दिवाली के दिन अगर आप घर पे शंख लाते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखती हैं। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख को, यानी कि दिवाली के दिन या धनतेरस के दिन दक्षिणावर्ती शंख को सबसे उत्तम माना जाता है। आपको बता दें कि शंख के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे वामावर्ती शंख, गणेश शंख, गौमुखी शंख, कौरी शंख, मोती शंख और हीरा शंख। इन्हें भी पूजा घर में स्थापित किया जा सकता है। लेकिन अगर आप दिवाली या धनतेरस पर शंख लेकर आ रहे हैं तो आप दक्षिणावर्ती शंख लेकर आएंगे तो माता लक्ष्मी आपसे और ज्यादा प्रसन्न होंगी, क्योंकि दक्षिणावर्ती शंख को माता लक्ष्मी के भाई के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आप पहले से इस बारे में नहीं जानते थे, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।